एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं एक बारिश की डिश बना रही हूँ जो बारिश के दिनों में काफ़ी शौक से खाई जाती है और स्पेशली नागपंचमी के दिन हम लोगों में काफ़ी बनती है वो, जिसे दाल दिवसा कहा जाता है और दाल ढोकली भी कहते हैं उसे। इसके लिए मैंने ये बॉयल्ड तुअर की दाल ली है, छिलके वाली तुअर की दाल है ये। ये देखिए, इसको मैंने बॉयल करके थोड़ा सा हल्दी डाला था इसमें और वो बॉयल करके रखा है। ये चॉप गार्लिक है, कटे हुए लहसुन, ये थोड़ा सा इमली का पेस्ट है, ये मैंने पालक क्रश करके रखी है ये देखिए, और ये आटा है। इसकी हम छोटी छोटी पूरियां बना के उसमें दाल में डालेंगे। तो चलिए अपनी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। आज हम दाल दिवसा या दो दाल ढोकली है थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में बना रहे हैं। जनरली इसमें पालक नहीं डाला जाता है, बट मैं पालक ऐड कर रही हूँ इसमें। इसको हम थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये इमली का पल्प भी हम इसमें ऐड कर देते हैं और अब थोड़े से मसाले डाल देंगे हम। सॉल्ट, रेड चिली पाउडर और धनिया पाउडर, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब इसको हम एक अच्छा सा छौंका लगाएंगे। तो चलिए आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब हमने ये क्ले पॉट में ऑयल ले लिया है, इसको हम थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। इसमें लहसुन डाल देते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे। हमारा गार्लिक देखिए गोल्डन हो गया है। अब इसमें हम दाल डालते हैं। इसको हम अच्छे से बॉईल होने देंगे और तब तक हमारे ढोकली की तैयारी कर लेते हैं। इसमें हम थोड़ा सा सांभर पाउडर भी डाल रहे हैं फ्लेवर के लिए। सांभर पाउडर का फ्लेवर इसमें बहुत बढ़िया आता है, इसलिए मैं इसको ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है। हमने ये आटा ले लिया है, इसको हम अच्छे से मस लेते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पे ऑयल अप्लाई कर लेंगे। हम एक बड़ी सी इसकी लोई लेंगे। हमको इतना बड़ा, ये जितना बड़ा ये दिख रहा है हमको, उतनी बड़ी एक रोटी सी बनानी है हमको। हम इसकी एक बड़ी सी रोटी बना लेते हैं। पहले हमने देखिए ये रोटी बना ली है। बहुत मोटा नहीं रखना है हमको, इस तरह का इतना पतला होना चाहिए। अब इसको हम पीसेस में कट कर लेते हैं। यहाँ पर आप अपने हिसाब से शेप दे सकते हैं इसमें। मैंने इस तरह का स्क्वायर शेप दिया है। अब हम ये जो चीज हमने बनाई है आटे की,
अब इसमें हम ये दाल में, उबलती हुई दाल में इसको डाल देते हैं। इसको अब हम अच्छे से इसमें डीप कर देते हैं और इसको हम 10 मिनट हम पकने देंगे। ये देखिए हमने इसमें सारे डाल दिए हैं, इसको हम 10 मिनट तक ढक के पकने देंगे। ये देखिए कितने अच्छे पक चुके हैं। अब चलिए इसकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। हमारा दाल दिवसा देखिए रेडी हो चुका है। है ना टेस्टी? आप भी जरूर बनाइएगा, बारिश के मौसम में बहुत ही बढ़िया लगता है ये गर्मा गर्म। चलिए तो फिर फटाफट कमेंट करके मुझे बताइएगा कैसी लगी आपको आज की रेसिपी। और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। And please don't forget to subscribe my channel and press bell icon. Thank you.